हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको राम देवरा ट्रिप के बारे में बताऊंगा, जो कि रामापीर का एक पवित्र धाम है। तो वहाँ हमारे घर से लेके राम देवरा हम ट्रेन बस अलग अलग तरीके से जाएंगे। तो अभी हमारे घर से रेलवे स्टेशन जाने के लिए हमें बस का सहारा लेना पड़ रहा है, तो हम बस से उदयपुर पहुँचेंगे और कुछ ही देर में हम ये उदयपुर जो रेलवे स्टेशन है उदयपुर सिटी का, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ जाके हम हमारी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हम कुछ देर पहले आ चुके हैं। और इसी के साथ हम देख सकते हैं, और ये इधर ट्रेन बाकी जो फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में फ़ोटो खींचने का आनंद ही कुछ और आता है। और बैठे बैठे ऐसे इंतज़ार करते हुए फाइनली अब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगने वाली है, और इसके बाद हमारी ट्रेन लगेगी। शायद यही हमारी ट्रेन है। और अब ट्रेन में ट्रेन तैयार होकर उदयपुर से अजमेर के लिए हम ट्रेन में रवाना हो गए। तो ऐसी जर्नी हमारी चलती रहेगी, और ट्रेन में ये टेस्टी खाना और ट्रेन का ये सफ़र आप व्यू का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। कई घंटों के सफ़र के बाद फाइनली हम अजमेर पहुंच चुके हैं, और हमारे यहाँ पर 1.5 घंटे का लेओवर था, जिसमें हमने लगभग नाश्ता किया, खाना खाया, कुछ सेल्फियाँ ली, कुछ फ़ोटो लिए और बहुत सारी चीज़ें की जो अजमेर में कुछ देखने वेखने लायक था। 1 घंटे हम देख सकते थे, वो हमने देख लिया, और फिर बाकी का जो हमारा टाइम था फिर वापस हम ट्रेन में हमारी बैठ गए और शुरू हो गई ट्रेन और वापस आगे की जर्नी के लिए निकल गए। लेकिन रास्ते में मुझे एक अच्छी चीज़ दिखी, वो आपको क्लिप ऐड करके दिखाता हूँ। वो है ये ऑफ रोडिंग विद जिप्सी और कैमल राइडिंग वगैरह। तो मैंने सोचा एक क्लिप आपके लिए डाल दूँ, तो आप देख सकते हैं। और जब भी इस तरफ जाएं तो आप आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं। और थोड़े देर के विश्राम के बाद, तकलीफ के बाद, और फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन जो कि रामदेवरा स्टेशन है वहाँ पर पहुँच गए, और सुबह नहा धो के और अब हम ये निकल चुके हैं रामदेवरा रामापीर के जो अवतारी है उनके दर्शन करने के लिए। और आपको ये बता दूँ कि जो रामदेव जी हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा जातिवाद मिटाया, और ये विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। जो ज़्यादा कुछ समय नहीं हुआ इस बात कोई पुरानी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा ये आपको ये शेयर कर लूँ। कुछ लोग रामदेव जी का नाम जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। और अंतिम में ये हम बाबा रामदेव जी के दरबार में पहुँच चुके हैं। मैंने घंटा बजा दिया है, क्योंकि रामदेव जी को पता तो लगना चाहिए ना कि हम आ गए हैं, तो घंटा बजा के और उनको जगा दिया। और फिर पता नहीं किसी की मेहरबानी से हमें VIP एक्सेस में जगह मिल गई, तो हम फटाफट लाइन छोड़ के और ऐसे निकल गए। ये देखो बाकी सब लाइन में गए और हम आगे फटाफट पहुंच गए। तो आरती तो हमें आनंद नहीं लेने मिली, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हमें इनके दर्शन हो गए, वही काफ़ी है। यहाँ जो मंदिर ये बना हुआ स्पेशली, वो यहाँ पर इन्होंने रामदेव जी ने समाधि ली थी, और यहीं पर एक नीची जाति मतलब मेघवाल समाज की, उस टाइम जैसे ये राजा थे, मतलब वे राजपूत से बिलोंग करते थे, और इन्होंने एक नीची जाति की लड़की को बहन बनाया था, तो उनकी भी यहाँ समाधि जो डालीबाई का मंदिर में बता रहा हूँ आपको, ये वो उनकी समाधि है। तो दोनों की समाधियाँ बगल बगल में है, तो ये समाधि के ऊपर ही अब पूरा मंदिर बन चुका है, पूरा डेवलप हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, और ये हमारे प्रभु के दर्शन कर सकते हो, आप सभी दर्शन का लाभ लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सारी कलाकारियाँ, ये सारी कांच की बनी हुई है, और ये सारी लीला है जो रामदेव जी अवतारी थे उन्होंने की थी। और देख सकते हैं आप कैसा भजन वगैरह यहाँ चल रहा है, इनके भजन जोरदार होते हैं राजस्थान में, और ये पूरा मंदिर का व्यू, और आप भजन सुन सकते हैं। और रामदेव जी के दर्शन करके फिर हम डालीबाई के मंदिर में पहुंच गए। वहाँ डालीबाई के मंदिर के दर्शन करके, वहाँ ये सब पालना टाइप था, हमने वो जुला लिया, आपको दिखाता हूँ मैं। सेकेंड थिंग ये थी कि देखो, अब इनके जो वंशज आज भी हैं वो यहाँ पर सारे नाम लिखे हुए हैं, मतलब ये भी एक तरह से पर्सनल प्रॉपर्टी है। वर्तमान जो पदासीन है, इनकी जो रामदेव जी से शुरुआत हो गई, जितने इनकी पीढ़ी चल रही है सारे के सारे नाम है। बोम सिंह जी पदासीन है अभी, जो अभी इस एरिए के एक तरह से ओनर ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की ज़मीन हुई सारी है। और ये जो जगह है आप देख सकते हैं, यहाँ पर्चा उन्होंने दिया था।
ये है राम सरोवर। यहाँ पर श्री राम साहब वीर ने डूबती हुई नाव को तैराया था। इन्होंने मतलब यहाँ अपना पर्चा दिखाया था, तो इसलिए ये फेमस हो गया। सब लोग इधर इसलिए तो आते हैं। उधर मछली जो है यहाँ पर देखो मछलियाँ कितनी हैं। और इसी के साथ यहाँ पर सबसे पर्चा बावड़ी, यहाँ पर सबसे पहला पर्चा रामदेव वीर ने पहला पर्चा यहाँ पर दिया था, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो देख लो वहाँ बावड़ी है एक छोटी सी, जो पुराने ज़माने में जैसे नहीं नीचे की तरफ पानी वगैरह लेने जाते थे, जैसे किताबों में पढ़ा है मैंने, तो उसी तरीके से बनी हुई है बावड़ी। तो यही था रामदेव जी की ट्रिप के बारे में। अब हम निकल पड़े हैं रामदेव जी का जो जन्म स्थल था, पोखरण करके कोई जगह है, पोखरण जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ से ऑटो के थ्रू जाएंगे। तब के लिए ये जो रामदेव जी मंदिर का जो ट्रिप था, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। और पोखरण के वीडियो देखने के लिए आगे जुड़े रहें। थैंक यू।